नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। चुनावी साल है और चुनावी साल में विकास का मुद्दा खूब उठ रहा है, विकास की बात हो रही है, बिहार को आगे ले जाने की बात हो रही है, चाहे वो प्रशांत किशोर की ओर से किया जाए या फिर तेजस्वी यादव की ओर से किया जाए या फिर चिराग पासवान की ओर से किया जाए। सबसे वाजिब सवाल हो गया है इन नेताओं के बयानों के बाद कि क्या बिहार नंबर वन राज्य बन सकता है। प्रशांत किशोर जिन्होंने ये कहा कि बिहार को हम आगे ले जाना चाहते हैं, हम बिहार की तरक्की देखना चाहते हैं, बिहार के विकास के लिए काम करना चाहते हैं, उन्होंने भी ये कहा कि बिहार नंबर वन राज्य नहीं बन सकता, वैसी स्थिति अभी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ चिराग पासवान जो लोजपा के अध्यक्ष हैं, लोजपा सुप्रीमो हैं, वो ये दावा कर रहे हैं कि हम बिहार को नंबर वन राज्य बनाएंगे। तो किसके दावे में कितना दम है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन बिहार को आगे ले जाने की बात हो रही है, बिहार को नंबर वन बनाने की बात हो रही है। पहले दोनों बयान सुन लीजिए, उसके बाद आगे की बातचीत करेंगे। पहले प्रशांत किशोर का वो बयान सुनिए जिसमें उन्होंने कहा कि बिहार नंबर वन राज्य नहीं बन सकता है, उसके बाद चिराग पासवान का बयान सुनिए जो ये दावा कर रहे हैं कि बिहार को नंबर वन राज्य बनाएंगे, उसके बाद इसके सियासी मायने समझने की कोशिश करेंगे। मैंने ये कहा, पहले बात समझिए, कोई आदमी अगर आपको कहता है कि वो बिहार को नंबर वन बना देगा तो वो आपको बेवकूफ बना रहा है, जो संभव ही नहीं है। इसलिए नहीं संभव है कि अगर आप तरक्की कर रहे हैं तो दूसरे राज्य कंबल ओढ़कर सो नहीं रहे हैं। अगर आपसे कोई बहुत आगे है तो आप धीरे धीरे ही वो गैप दूर कर सकते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि बिहार को जो भी रूल करना चाहते हैं, अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं या कोई दूसरे जो उनको चैलेंज करने वाले अपोजिशन के लीडर हैं वो करना चाहते हैं, तो उनको बिहार को ये बताना चाहिए कि अगले 10 साल में बिहार जो देश के अग्रणी राज्य हैं, महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, उनके मुकाबले बिहार कहाँ खड़ा होगा, और अगर टॉप 10 में पहुंचना है तो उसके लिए उनके पास क्या ब्लूप्रिंट है। मैंने ये कहीं नहीं कहा कि मैं कर दूंगा, मैं ये कह रहा हूं कि इस बात को लेकर मैं हर गांव हर पंचायत में जाना चाहता हूं। चुनाव लड़ने की बात तो मैंने कही नहीं, मैं किसी पार्टी में हूं नहीं तो चुनाव कैसे लड़ूंगा। मैं तो ये कह रहा हूं कि इस पर जब आप पार्टी में थे तब आपको ये सब नजर क्यों नहीं आया कि बिहार पिछड़ा हुआ है, उस समय आपने क्यों नहीं ये सब? अरे भैया, आपने आपको उसके बाद आप ये सब बात उठा, अरे बिल्कुल सही बात आपने कहा। आपके ज्ञानवर्धन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप अपना नाम बता दे तो आपने देखा नहीं है कि नीतीश कुमार जी के घर पर बैठकर महीनों मैंने यही बात रोज कही है, और आप वहां नहीं आए होंगे या आपकी रुचि नहीं है, मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूं, आपने फॉलो नहीं किया होगा, लेकिन यहां पर बहुत सारे ऐसे पत्रकार बैठे हुए हैं जिन्होंने उसको हर दिन कवर किया है कि बिहार के लड़कों को बुलाकर ये कहना कि आप अपने आप को सशक्त बनाइए, पंचायत जीतने के लिए का प्रयोजन कीजिए, इसलिए नहीं कहा। इसलिए किसने कहा कि विकास नहीं हुआ है? आप सुन रहे हैं, हिंदी में बोल रहे हैं हम, अंग्रेजी अगर आप चाहें तो मैं उसको अंग्रेजी में बोलूं। जो भी लोग बिहार को आगे लाने के लिए, मुझे खुशी इस बात की हो रही है भैया आज बिहार में विकास की चर्चा हो रही है, नहीं तो इससे पहले जात पात धर्म मजहब कास्ट इक्वेशंस को जोड़ जाड़ के चुनाव लड़ भी लिया जाता था, जीत भी लिया जाता था। मुझे खुशी है कि हम लोग विकास की बात कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि दूसरे और किन का क्या एजेंडा है या वो कितना सिमिलर है नहीं है, पर मुझे इतना जरूर पता है कि मैं बहुत समय पहले से बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का मैं जिक्र कर रहा हूँ। बहुत समय पहले मैंने आपके साथ उसकी चर्चा कर दी है। अब इसको देखकर कोई और सामने आना चाहता है, जुड़ना चाहता है, अच्छी बात है बिहार को आगे लाने के लिए। चिराग, आप उनके मुहिम को कैसे देखते हैं? चिराग, why your attempt appears to be quite laudable, don't you think that this comes at a juncture when Nitish Kumar government itself seems to be patting its own back with slogans like Banam Bharosa? Now the same yatra which you are initiating at this stage, almost 15 years after the completion of Nitish Kumar's regime, this stands in sharp contrast to all the lofty claims being made by Nitish Kumar. This is pointing to the basic fact that in the last 15 years there has been lopsided development of the state. No, not at all. First of all, I joined with them when they applaud themselves for the work that they have done, and it's a well deserved applaud. Yes, I mean, I do agree that our Chief Minister, Shri Nitish Kumar, he has actually worked a lot, and to bring our state to a level like this
is well applauded. Having said that, my issue is on the basis of comparative study. Yes, we have done a lot, but the fact is that a lot more needs to be done. And to get our state to a level, starting from the Jangal Raj era, we all have seen that the era of 90s, you know. So to get our state to a level like this, where we stand today and we can talk about making our state the number one state, yes, you need the basic infrastructure, has to be intact, only then you can think of taking it further. So yes, Anand, the credit goes to our Chief Minister that he has brought our state to a level like this, where now we can think. 15 years back, we couldn't even think of this, you know. 15 years back, I mean, a thought like this was absolutely unthinkable. But then today, we can think about these things, and now we can take the next plunge. He has got us here, but the next plunge is to take it to number one. इस तरह की यात्राएं कितना प्रासंगिक होती हैं बिहार के आम लोगों के लिए, कितना उन्हें समझ में आता है आपके कंटेम्प्रेरी हैं, वो बेरोजगारी हटाओ यात्रा निकाल रहे हैं, कि यात्रा पर आप जा रहे हैं, बस कार के साथ इस तरह के यात्राओं को निकालना लोगों को कितना कनेक्ट कर पाता है? नहीं, कनेक्ट होता है जब आप अलग अलग जिले में आप जाते हैं, वहाँ पर रहकर जब आप उनसे जुड़कर आप उनको अपनी सोच बताते हैं, और मोर इम्पोर्टेंटली आप उनकी सोच से जुड़ते हैं किसी अलग जिले में। जैसे मैंने कहा कि हर जिले की, और इसको आप जितना जीरो डाउन करते जाएंगे ना, समस्या अलग अलग स्वरूप में आपको दिखने लगेगी। जिले की भी मैं बोलता हूँ समस्या अलग होगी, प्रखंड की समस्या अलग होगी, बूथ की समस्या अलग होगी। इसीलिए जब मैं बोलता हूँ कि हम लोग को पूरा जीरो डाउन, मैं 14 अप्रैल को जो मैं रोड मैप मैं आपके सामने रखूंगा कि ये लोक जनशक्ति पार्टी की सोच है, वो पूरे बिहार प्रदेश भर की सोच है। बट जो मैं अलग अलग विधानसभाओं का मैं जिक्र कर रहा हूँ, वो उस पर्टिकुलर विधानसभा को, आप एक प्रदेश को भी आप तभी उठाएंगे जब प्रदेश का हर एक जिला अपने में समर्थ होगा, सक्षम बनाएंगे आप उस जिले को। तो हम लोग, और ये यात्राएं उसी दिशा में काम करती हैं। जब आप अलग अलग जिला में जाते हैं, आप अपनी सोच उनको बताते हैं, वहाँ के लोगों की सोच से आप जुड़ते हैं, वहाँ की लोकल समस्या को आप जानते हैं, और उसके साथ आप उनके साथ अपनी बात करते हैं। तो ये जो विचारों का आदान प्रदान होता है, ये और ज्यादा चीजों को खूबसूरत बनाने में योगदान देता है। किशोर ने भी बिहार में चुनाव है, इस साल के आखिर में बिहार में चुनाव होने हैं, इस साल के आखिर में बिहार में चुनाव होने हैं जी, और एक स्टाइल की यात्रा सबकी राजनीति का एक ही धर्रा बन गया है। कन्हैया यात्रा पे है, आप यात्रा पे आज से निकल रहे हैं, अगले दो दिनों में तेजस्वी यात्रा पे निकलेंगे, तो क्या राजनीति चुनाव को लेकर के फोकस कर रही है, या कहा कि अच्छी बात है कि यात्रा पे निकल रहे हैं? शिकायत तो यही होती थी ना, नेता लोग निकलते नहीं है। अच्छी बात है, निकले। मैं तो कहता हूँ जितने भी और बाकी हैं सब निकले, जाएं जनता के बीच, और पूरी तरीके से हम लोग को अपनी बातों के साथ अपने आप को जनता के बीच में समर्पित कर देना चाहिए कि भैया ये हमारी सोच है, आप बताओ कैसे हम इसको और बेहतर कर सकते हैं। बिहार की यात्रा वोट की यात्रा में बदल जाती है। हाँ, जो बिहार की यात्रा होती है, बिहार की सोच की यात्रा होती है, लेकिन वो वोट पे तब्दील हो जाती है, दिक्कत यही है। देखिए, इस बार जैसा मैंने कहा, मुझे बाकियों का नहीं पता कि कौन वोट की यात्रा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैं एक सकारात्मक यात्रा की मैं बात कर रहा हूँ। लोक जनशक्ति पार्टी लोगों को प्रवोक करने के लिए, भड़काने के लिए, उकसाने के लिए, या नेगेटिव कैंपेन के साथ नहीं है। हमारा नैरेटिव बहुत पॉजिटिव है। भैया, मैं बिहार को नंबर वन बनाना चाहता हूं, और ये मेरा रोड मैप है। बाकी लोग का क्या रोड मैप है मुझे नहीं पता। कुछ और लोग जो अलग अलग यात्रा निकाल रहे हैं, नकारात्मक सोच की भी कुछ यात्रा है। भैया, अगर बेरोजगारी है तो आप उसका बताओ ना कि कैसे उसको ठीक किया जा सकता है। आपकी इनिशिएटिव भी मिलती जुलती इनिशिएटिव है, आपको लग रहा है भविष्य में दोनों इनिशिएटिव कैन बी मैरिड टुगेदर? देखिए, बहुत बाहर की बात, बहुत हाइपोथेटिकल आप सिचुएशन का क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं, और इस सिचुएशन का परिपेक्ष ही कहां से आ रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा। जैसा मैंने कहा कि मैं आज से नहीं, मैं बहुत लंबे समय से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट पर मैं काम कर रहा हूँ। आप में से सब यकीन भी मानेंगे, कई मुझसे व्यक्तिगत तौर पर भी मुझसे जुड़े हुए, आपको पता है कि ये सोच का जिक्र मैं कब से कर रहा हूँ। तो ये बहुत पुरानी मेरी सोच है। हाँ, अब उसके बाद, बल्कि मैं तो यहाँ तक ही बोलूंगा कि मैंने इसकी घोषणा, आप लोग वो इंटरव्यू भी निकाल लीजिए, मैंने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट आप लोग के समक्ष मैंने किस दिन रखा और बाकी लोगों ने कब रखा, ठीक है? बट हैविंग सेड दैट ऑल, मुझे खुशी इस बात की है कि अब हम लोग पॉजिटिव नैरेटिव में कम से कम बिहार, बिहार के नेता बात करने लगे। जात पात धर्म मजहब से उठकर बिहार को अब हम लोग पहले रख के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को इंटैक्ट करने की, बेसिक मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के हम लोग बात करने लगे, ये एक अच्छी बात है। तो प्रशांत किशोर ने ये तर्क दिया कि कैसे बिहार अभी नंबर वन राज्य नहीं बन सकता, वो स्थिति नहीं है। दूसरी तरफ चिराग पासवान ये दावा कर रहे हैं
तो बिहार को नंबर वन राज्य बनाने का मुद्दा चुनावी साल में खूब उठ रहा है, विकास का मुद्दा है, किसके दावे में कितना दम है ये आगे पता चलेगा, लेकिन बिहार का विकास, बिहार की जो रैंकिंग है वो चुनावी हथियार कर सकते हैं, जरूर है। प्रशांत किशोर ने तो कहा है कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, पार्टी नहीं बनाएंगे, लेकिन चिराग पासवान ये दावा जरूर कर रहे हैं कि हम बिहार को नंबर वन बनाएंगे। तो बिहार को नंबर वन बनाने का मुद्दा चुनावी मुद्दा हो गया है, कह सकते हैं चुनावी हथियार हो गया है। देखना है किसके दावे में कितना दम है। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।